माता को जगत जननी क्यों कहा जाता है? जब माता के लाल पर कोई आंच आए तो माता यमराज से भी अपने बच्चे को छीन कर ले आती है। चाहे वह हमारी सगी माता हो या माता पार्वती, जगत जननी का स्थान पाने के लिए माता इतने कष्ट करती है। 9 महीने आपको कोख में रखती है। चाहे भगवान हो चाहे इंसान, इस धरती पर आने के लिए माँ का ही सहारा लेते हैं और इसीलिए माता को जगत जननी कहा जाता है। जगत जननी के बच्चे पर जब आपदा आती है तो वह यमराज से भी लड़ जाती है। कथा इस प्रकार से है। एक माता ने 2 शिशुओं को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़का थोड़ी देर पश्चात स्वर्ग से धार जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। माता का दिल कह रहा था कि मैं अपने लाल को एक बार जरूर देखूं। माताओं को सबसे प्यारे पुत्र होते हैं। माता ने डॉक्टर से अनुरोध किया कि आखिरी बार मैं अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ। डॉक्टर और नर्स सभी खड़े थे। नर्स ने बच्चे को उठा के माता को दिया। माता ने अपने सीने से 5 मिनट लगा के जो आंसुओं की धारा बहाई, उन्हीं आंसुओं की धारा के चलते बच्चा जीवित हो उठा। यह सत्य घटना है महाराष्ट्र की। तो आपने क्या देखा कि जब माता के बच्चों पे कोई संकट आए तो वह यमराज से भी लड़ जाती है। माता के प्रेम में ऐसी शक्ति है कि वह हमें जीवन दान देती है। इसीलिए स्त्रियों को जगत जननी माता कहा जाता है।